हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बेसिक स्कर्ट की स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसमें बेल्ट ज्वाइन करना रहेगा और चेन भी लगाना रहेगा। तो चेन लगाने के लिए कैसे उसका प्रोसेस रहेगा वो बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने स्कर्ट की कटिंग कर ली है, जिसमें दो पार्ट है, एक फ्रंट में मान लो और एक बैक पार्ट है। अब इसमें दोनों में बेल्ट ज्वाइन करना है। तो बेल्ट ज्वाइन करने से पहले चेन ज्वाइन करना बताऊंगी कि चेन कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो बेल्ट ज्वाइन करेंगे तो अगर आपको बेल्ट तक लेना है चेन, तो आप बेल्ट तक चेन लगा सकते हो, जैसे इसमें बेल्ट लगेगा यहाँ पे। और अगर आप बेल्ट में हुक लगाना चाहते हो तो यहाँ तक ही केवल चेन लगेगा, केवल यहाँ तक चेन लगेगा। तो पहले मैं चेन लगाना बताऊँगी कि चेन कैसे लगाएंगे। उसके लिए आप जो फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग ही उसी के कलर का चेन लोगे, क्योंकि मेरे पास अलग कलर इसलिए मैंने लिया है ताकि ये हाईलाइट हो और आपको अच्छे से दिखाई दे, तो इस वजह से मैंने दूसरे कलर का लिया है। आप सेम कलर का चेन लोगे। चेन लगाने का जो ये दो तरीके का चेन होता है, एक इनविजुअल होता है और एक विजुअल होता है। तो विजुअल चेन जो होता है वो पैंट में लगता है, उस टाइप का आता है, और जो इनविजुअल होता है वो गाउन में, स्कर्ट में और किसी भी और भी पार्ट में लगाया जाता है। तो वो इसमें क्या होता है, इसमें चेन कम दिखता है, बिल्कुल ही ना के बराबर दिखता है, तो इसलिए ये वाला चेन यूज़ में लेते हैं। अब इसमें क्या है, आपके पास साइज़ अगर हाफ है, छोटा है, तो वो लगा सकते हो। मेरे पास साइज़ बड़ी है, तो हम जितना भी मुझे यूज़ में लेना है उतना लगाने के बाद इसको नीचे से कट कर देंगे। तो फर्स्ट चेन लगाने के लिए राइट फैब्रिक है, चूँकि हमेशा मार्किंग रॉन्ग साइड करते हैं, तो राइट साइड में जो दूसरा राइट साइड है उसको रखेंगे, ये राइट और ये राइट, राइट ऑन राइट रखना है। राइट ऑन राइट रखने के बाद जो भी साइज, जो भी अपना सीम अलाउंस लिया था, जैसे ये हाफ इंच सीम अलाउंस है, तो आपको राइट साइड में ही हाफ इंच का मार्किंग करना है। राइट साइड में इसलिए मार्किंग कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड से चेन लगाना है, तो इसलिए राइट साइड में मार्किंग करके और फिर इसको लगाना है। अब जिस साइड में आपको चेन रखना है, मोस्टली लेफ्ट साइड में चेन होता है, तो लेफ्ट साइड में आप लगा सकते हो। लेफ्ट साइड में इस चेन को इस तरीके से रखना है, जैसे ये चेन का राइट साइड ये है और फैब्रिक का राइट साइड ये है, तो फैब्रिक और चेन राइट ऑन राइट रखेंगे इस तरीके का से। ये ऐसे पेस्ट करेंगे ऐसे, और ये वाला पार्ट इसमें। अब इसमें टीपिन लगा सकते हो, या फिर आप जो रनिंग स्टिच है या कच्ची सिलाई जिसको बोलते हैं, वो आप करके इसमें पहले यूज ले सकते हो। मैं इसमें टीपिन लगा लेती हूँ ताकि ये इधर से उधर शिफ्ट ना हो और आपका चेन जो है वो गलत ना लग जाए। तो ये चेन मैंने पेस्ट कर दिया है, अब इसी पे आपको मशीन चलाना है। चेन लगाने के लिए जो फूटर आता है वो कुछ इस तरीके का फूटर होता है, जो आप उषा जेनो मशीन में लगाओगे तो इससे चेन ज़्यादा अच्छे से और इनविजुअल ज़्यादा दिखेगा, मतलब ज़्यादा होगा। आप ये चेन, ये फूटर यूज कर सकते हो। जो दूसरी मशीन आती है जैक है, तो उसमें उसकी अलग फूटर आती है, तो वो फूटर लगा के यूज कर सकते हो। सेवन इंच तक मैंने, सेवन एंड हाफ हिप लेंथ जहाँ तक आता है वहाँ तक आपको चेन रखना होता है। अब इसमें फूटर नहीं है तो ये चेन विजिबल दिखेगा, इसलिए मैं दूसरे मशीन में इसको लगा के बताऊँगी, जिसमें कि फूटर चेंज करके लगाना होता है। तो चेन लगाने के लिए मैं ये वाली मशीन यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसका फूटर मेरे पास है। इस फूटर को चेंज करने के लिए पहले इसको ऊपर करेंगे, पहले वाला फूटर निकाल के और चेन का फूटर यूज में लेंगे। अब जो चेन लगाया है
उसके ऊपर फुटर का जो ये पार्ट है इस तरफ से खाली है, तो इधर से पहले ऐसे इसका जो है टिपिन निकालते जाना है ताकि नीडल ना टूट जाए इसके ऊपर चलाने से। मैंने थ्रेड अलग कलर का लिया है ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से स्टिचिंग से सो हो। दूसरा इस तरीके से लगाएंगे। ये मैंने यहाँ तक लगाया है, तो जहाँ तक लगाया उससे एक्स्ट्रा जो है चेन मैं कट कर लूँगी उसके पहले। यहाँ से इसको कट कर देंगे। सीधी साइड कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये चेन मैंने अलग कलर से लिया है इसलिए ज़्यादा शो हो रहा है, अगर आप सेम कलर लगाओगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब इसको पलट के यहाँ से नीचे की तरफ इसी फूटर से लगा दोगे, क्योंकि इससे इस फूटर चेन लगाने के बाद यहाँ से ही हमें स्टिचिंग जहाँ चेन ख़त्म किया है जहाँ एंडिंग है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके हाफ इंच ऊपर जाके और फिर यहाँ पर लॉक कर लेंगे। चेन लगाने के बाद बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट लगाने के लिए इसे एक साइड स्टिच होगा और एक साइड हुक लगेगा, तो चेन के साइड हुक पर आई लगेगा तो उस साइज में आपको इसको फोल्ड कर देना है। इसके लिए पहले फूटर निकाल लेंगे और जो नॉर्मल फूटर आता है वो यूज में लेंगे। उसके बाद राइट ऑन राइट रख के, जैसे ये बेल्ट है, बेल्ट का राइट साइड ये है और स्कर्ट का राइट साइड ये है, तो राइट ऑन राइट रखेंगे। देन हाफ इंच पे चेन के ऊपर होते हुए स्टिच करेंगे। ऐसे ही दूसरे साइड में भी बेल्ट लगा लेंगे। बेल्ट लगा दिया मैंने राइट ऑन राइट करके। अब उसके बाद आपको हाफ इंच इसको फोल्ड करके और जहाँ स्टिच किया था उसी के ऊपर रखते हुए और फिर इसके ऊपर टॉप सीम चला देना है। दोनों साइड इसी तरीके से करना है।
बेल्ट लगाने के बाद नीचे आप बॉटम में हेमलाइन में आपको फोल्ड करना है। अब मैंने वन इंच लिया था तो डबल फोल्ड करना है दोनों में। डबल फोल्ड करने के बाद साइड स्टिचिंग कर देंगे, बेसिक स्कर्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से फोल्ड करके और साइड स्टिचिंग लगा देंगे और फिर बेसिक स्कर्ट कंप्लीट हो जाएगा। बेल्ट को इक्वल में रखते हुए जितना सीम आपने लिया था उसके अकॉर्डिंग ही स्टिच करना है। ये हो गया बेसिक स्कर्ट। थ्रेड मैंने अलग कलर से लिया था शो करने के लिए, आप सेम कलर ले सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हुक और आई लगा देंगे तो ये फिट हो जाएगा। अब साइज़ के अकॉर्डिंग आप हुक और आई लगा सकते हो, जितना आपको आपकी कमर है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इस तरह आपको बेसिक स्कर्ट की स्टिचिंग करना है, बेल्ट लगाना और चेन लगाना मैंने बता दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।